ये कहानी है नरेश की। नरेश सर्कस में काम करता था। उसकी पत्नी गुंजा भी उसके साथ ही सर्कस में काम करती थी। सर्कस में खेल दिखाने में उन दोनों की मदद करता था गजराज। गजराज सर्कस का हाथी था, जिसे बहुत ही कम उम्र से ही नरेश और गुंजा ने पाला था और उसे ट्रेनिंग दी थी। गजराज उन्हें बहुत प्यार करता था। ये मेरा दोस्त गजराज है, अभी आपको ये हैरतअंगेज कारनामे करके दिखाएगा। कभी साइकिल चलाएगा तो कभी फुटबॉल खेलकर दिखाएगा। और हमारा ये गजराज सिर्फ दो पैरों पर खड़ा होकर भी आपको ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। गजराज ने अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो करतब दिखाता, लोग तालियां बजाते और उसकी वाह वाह करते। नरेश और गुंजा भी उसकी पीठ पर बैठ कर लोगों को करतब दिखाते। वाह वाह, इस गजराज के करतब तो सच में शानदार है। वाह वाह, और इसको ट्रेनिंग देने वाले ये दोनों भी बहुत ही साहसी हैं। नरेश की तीन बेटियां हैं, राधा, पुष्पा और गीता। नरेश के परिवार का गुजारा सर्कस की कमाई से किसी तरह चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। सर्कस के मालिक ने सर्कस बंद करने का फैसला किया, क्योंकि सर्कस की कमाई लगभग ठप हो गई थी। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि अब सर्कस का काम उस हिसाब से चल नहीं रहा है, इसलिए मुझे इसे बंद करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आप लोगों को बैठा कर पैसे दूं। लेकिन साहब, हमारा क्या होगा? हमारी बीवी, बच्चे और सर्कस के जो जानवर हैं, उनका क्या होगा? देखो भाई, जितने दिन गाड़ी चली मैंने चलाई, अब कर्ज लेकर मैं तुम लोगों का परिवार तो नहीं चला सकता। और जहाँ तक रही जानवरों की बात, उसके लिए मैंने एक चिड़ियाघर से बात कर ली है, बोल ले जाएंगे उन्हें, क्योंकि मेरे बस का नहीं है भाई उन्हें खिलाना पिलाना। ये सब सुनकर नरेश और गुंजा को अपने परिवार का भविष्य अंधकारमय दिखने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी की गाड़ी अब कैसे चलेगी, लेकिन मालिक ने तो तय कर लिया था। सर्कस बेच दिया गया, एक एक कर जानवर भी जाने लगे। लेकिन जब गजराज के जाने की बारी आई तो उसने नरेश का हाथ अपने सूंड से पकड़ लिया, जैसे कि वो कह रहा हो कि मुझे अपने से अलग मत करो। अरे गजराज, तेरे बिना हम सभी का दिल नहीं लगेगा, लेकिन तू जिद छोड़। मेरा अपना भविष्य अंधेरे में है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, तेरा ध्यान में कैसे रखूंगा रे। लेकिन गजराज ने सूंड की पकड़ ढीली नहीं की। अब तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। नरेश और गुंजा ने अपनी बेटियों की तरह ही उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, इसलिए वो जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। नरेश की बेटियां राधा, पुष्पा और गीता भी जोर जोर से रो रही थीं, क्योंकि वे भी उन्हें बहुत प्यार करती थीं। बाबा, मत भेजो ना गजराज को कहीं, इसे हमारे साथ ही रहने दो ना। हाँ बाबा, देखो ना गजराज कितना रो रहा है। नरेश और गुंजा का जरा भी मन नहीं था गजराज को खुद से अलग करने का, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो गजराज को साथ रख सके। ये भी तो हमारे बच्चे के जैसा है, छोटा सा था जब ये आया था, बोतल में दूध पिलाती थी इसे। इस तरह अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर करने की गवाही मेरा मन नहीं दे रहा है जी। लेकिन गुंजा, सब कुछ कैसे चलेगा? हमारा खाना पीना, इसका खाना पीना। अरे जो हम खाएंगे उससे दो रोटी इसे भी दे देंगे। मैं जानती हूँ कि उससे इसका पेट नहीं भरेगा, इसलिए इसे पास वाले जंगल में भी ले जाया करेंगे, वहाँ तो पेट भरेगा ना इसका। गजराज उनके साथ ही रहने लगा। नरेश और गुंजा को कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम मिल तो गया था, लेकिन वो बहुत दूर था। वहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्हें लेने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट से एक बस आती थी। उसकी बस्ती के और सर्कस से जिनकी नौकरी छूट गई थी, वे सभी लोग वहाँ काम करने के लिए जाते थे। गजराज, तू बच्चियों का ध्यान रखना, हम रात तक लौट आएंगे। हर दिन वो काम पर जाते और रात तक लौट आते। कमाई ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन सब लोग उसमें किसी तरह काम चला लेते। गजराज के हिस्से कभी दो रोटी आती, कभी एक, और कभी एक भी नहीं। लेकिन तीनों बहनें उसे अगले दिन जंगल में ले जाकर भरपेट खाना खिला आती। ओए गजराज, पेट भरा कि नहीं तेरा? कितनी देर से तू खाए जा रहा है, खाए जा रहा है? अरे राधा, खाने दे इसे, बेचारे ने तो कल कुछ भी नहीं खाया था। इसी तरह समय बीत रहा था। बारिश के दिन आ गए थे, झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई थी। कुछ लोग बारिश का मजा ले रहे थे तो किसी के लिए बारिश रोटी की चिंता लेकर आई थी। ज्यादा बारिश होने पर कंस्ट्रक्शन साइट का काम बंद हो जाता तो फिर नरेश और गुंजा का परिवार कैसे चलता? ऐसे ही एक दिन रात का समय था, बाहर घनघोर बारिश हो रही थी।
नरेश और गुंजा खिड़की के बाहर बारिश को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। परेशानियां तो जिंदगी का पीछा कभी छोड़ती ही नहीं, कभी ये तो कभी वो, कभी ऐसा तो कभी वैसा। बारिश में काम बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? आप ना बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम बंद होगा तो कुछ और करेंगे। कुछ और लेकिन क्या? वो कमला है ना, वो कह रही थी कि उसके पति ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का पता किया है, तनख्वाह भी 8,000 रुपए देंगे। 8,000? मतलब हम दोनों को मिलाकर 16,000? हाँ, मतलब यहाँ से 1,000 ज्यादा, लेकिन उसमें अभी 1 महीने का समय लगेगा। बीच में बारिश बंद हुई और धूप खिलाई, कंस्ट्रक्शन साइट पर फिर से काम शुरू हो गया। दोनों फिर से काम पर जाने लगे, लेकिन एक रात जब वो बस से वापस लौट रहे थे तो घनघोर बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, फिर से बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज और लगातार हो रही थी कि बस बहुत धीमे धीमे चल रही थी, लेकिन अचानक आसमान में बादल फट गया। उसके बाद तो तबाही आ गई, सड़क पर बाढ़ की स्थिति हो गई और उस बाढ़ में बस बहने लगी। बस के अंदर बैठे लोगों में हाहाकार मच गया, वो जाते तो जाते कहां, बस के बाहर भी मौत और अंदर भी मौत। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। तेज बहाव में बस बह गई, सारे के सारे लोग मारे गए, लेकिन बारिश बंद अभी भी नहीं हुई थी, उसका कहर लगातार जारी था। उधर गुंजा और नरेश की तीनों बेटियां घर के अंदर डरी सहमी बैठी थी। बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा उनके घर के अंदर आने लगा था। इतनी तेज बारिश हो रही है, माँ बाबा भी अब तक नहीं आए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। देखो ना, पानी भी अब घर के अंदर आ रहा है, मुझे तो डर लगने लगा है। मुझे भी माँ बाबा की चिंता हो रही है, इस समय तक तो वे आ जाते थे, और देखो ना आज गजराज भी अकेले ही जंगल चला गया था, अभी तक वो भी नहीं लौटा है, मुझे उसकी भी फिक्र हो रही है। बाहर बारिश ने कोहराम मचा दिया था, लोगों के घर डूब रहे थे, उनके जानवर वहीं जा रहे थे और वे असहाय से खड़े देख रहे थे और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरी पत्नी डूब रही है, कोई बचाओ। मेरा राजू डूब रहा है, अरे कोई तो मदद करो। इधर नरेश के घर भी पानी का स्तर बढ़ने लगा था, पानी के वेग से उनके घर का दरवाजा टूट गया था, उनकी बेटियों के गले तक पानी आ गया था, वो भी बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तभी उन्हें गजराज के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई, गजराज, हमारा गजराज आ गया। गजराज ने उन बच्चियों को डूबते देखा तो वो और भी जोर से चिंघाड़ने लगा, गजराज हमारी मदद करो। गजराज पानी में आगे बढ़ता हुआ बच्चियों के पास गया और एक एक कर तीनों बेटियों को अपनी पीठ पर बिठा लिया और बाढ़ में आगे बढ़ने लगा। गजराज की पीठ तक तो पानी नहीं आ रहा, लेकिन अगर पानी का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो ना जाने क्या होगा। बारिश होती रही और गजराज उन बच्चियों को लेकर आगे बढ़ता गया। बाढ़ का वेग उसके भी पांव रोक रहा था, लेकिन वो बढ़ता गया और जंगल में स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर उन बच्चियों को ले गया। वो बच्चियां अब सुरक्षित थी, लेकिन तभी बाढ़ के पानी का एक और जोरदार वेग आया और इस बार गजराज के घर के साथ हो गया। गजराज गजराज। कुछ घंटों के बाद बारिश थम गई थी, वो बच्चियां पहाड़ी पर बेहोश पड़ी थी। उन्हें होश तब आया जब उन सभी ने हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि उनका गजराज एक बड़े से चट्टान में फंसा पड़ा है। गजराज को जीवित देखकर वे सभी बहुत खुश हुए, हमारा गजराज जिंदा है। बारिश के कहर में नरेश और गुंजा तो नहीं बचे, लेकिन गजराज ने एक पिता और एक बड़े भाई का फर्ज निभाया और उन सब की जान बचाई। ये कहानी है रघुवर और उसकी पत्नी कमला की। उनकी तीन बेटियां हैं, 9 साल की सीता, 5 साल की गीता और 6 महीने पहले जन्मी बबीता। रघुवर और कमला लोगों के घरों में पेंटिंग का काम करते हैं। पुरानी दीवारों को वे अपने रंगों से बेहद खूबसूरत बना देते हैं। अरे सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपकी घर की दीवारें हम इतने सुंदर तरीके से रंग देंगे कि आप देखते रह जाएंगे। देख लो भाई, पैसे की फिक्र मत करना, लेकिन काम में कोताही मुझे नहीं चाहिए। बड़े प्यार से ये घर बनाया है मैंने अपनी बेटी के लिए। सेठ जी, हम अपना काम पूरा मन लगाकर करते हैं, आप निश्चिंत रहिए। दोनों पति पत्नी कई सालों से पेंटिंग का काम पूरी ईमानदारी से करते, उनका काम बहुत अच्छा होता, इसीलिए लोग उनके काम की तारीफ भी खूब करते।
ना जाने शहर के कितने बड़े छोटे घरों में उन्होंने पेंटिंग का काम किया था, लेकिन खुद बेचारे एक मामूली सी झोपड़ी में रहते थे। कितना अजीब है ना कमला, हमारे हुनर से ना जाने कितने घर जगमगाते हैं, लेकिन खुद हमारा घर एक ऐसी झोपड़ी है जहाँ बारिश में पानी और जाड़े में ठंडी हवा परेशान करती है। बारिश की तो बात ही मत कीजिए, घर में पानी टपकने लगता है उसकी ज्यादा चिंता नहीं होती है, लेकिन उन दिनों काम हमें नहीं मिलता है उसकी बहुत चिंता होती है, और बिना काम के हम जैसे दिहाड़ी मजदूर क्या खाएंगे क्या पियेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन प्रकृति के नियमों को तो बदला नहीं जा सकता है। बारिश के मौसम ने अपने शुरू होने की आहट दे दी थी, हल्की हल्की बारिश शुरू भी हो गई थी, और यही हल्की बारिश कई लोगों के लिए मस्ती का सबब था। अरे वाह, बारिश के बाद क्या मस्त मौसम हो गया है अनिल भाई, चलो गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। हाँ हाँ, पकौड़ों के साथ चाय भी। दोनों दोस्त पास की एक दुकान में जाते हैं जहाँ पहले से ही भारी भीड़ थी। अरे भाई फटाफट हमारे लिए गर्मा गर्म एक प्लेट पकौड़े लगा दो, और चाय भी, यहाँ अदरक जरूर लगा दियो। कुछ लोग इस बारिश में मजे उड़ा रहे थे तो कुछ के लिए ये बारिश मुसीबत थी। रघुवर और कमला के घर की छत से पानी टपकने लगा था और वे सभी इससे बहुत परेशान थे। अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए कमला उसे पानी से बचाने की कोशिश कर रही थी, उसने उसके ऊपर एक प्लास्टिक डाल रखा था। दोनों बच्चियों ने भी एक प्लास्टिक की थैली पहन रखी थी, लेकिन वो और रघुवर खुद बारिश में भीग रहे थे। माँ बाबा आप दोनों पानी में भीग रहे हो, इस तरह तो बीमार पड़ जाओगे। अरे कुछ नहीं होगा हमें, बस तुम लोग मत भीगना। अभी बारिश ज्यादा तो नहीं हो रही थी, लेकिन अभी से ही दिक्कतें शुरू हो गई थी। हालांकि अभी उन दोनों को पेंटिंग का काम मिल जाता था। रह रहकर यही बात मुझे परेशान कर रही है कि कुछ दिनों बाद बारिश और भी बढ़ेगी और काम मिलने में दिक्कत होने लगेगी। सुनिए जी, इस बार थोड़े ज्यादा अनाज हम खरीद कर रख लेंगे। हाँ तू कहती तो ठीक है, लेकिन अब जितने पैसे होंगे उतने ही तो अनाज खरीद पाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और इस बारिश में इन्हें काम मिलना लगभग बंद हो गया। घर पर थोड़े अनाज रख रखे तो इनका काम चल रहा था, लेकिन इस सब के बीच इन लोगों की चिंता एक खबर ने बहुत बढ़ा दी थी। उनके पड़ोस में रहने वाला सरजू एक दिन उनके घर आया। हाँ रघुवर भाई, हाँ बिल्कुल पक्की खबर है, मैंने तो टीवी पर भी देखा है। कल से एक सप्ताह तक सरकार ने अलर्ट जारी किया है, खूब बारिश होने वाली है। अभी कौन सी कम हो रही है ये बारिश, 5 दिन से घर पर बैठा हूँ, अब कैसे काम चलेगा इस तरह से घर पर बैठकर। अरे रघुवर भाई, मेरा ऑटो रिक्शा भी खराब पड़ा है, उसके साइलेंसर में पानी घुस गया है, अब इतने पैसे नहीं है कि उसे ठीक करवा सकूं। ये बारिश भी ना हम गरीबों के लिए मुसीबत बनकर आती है। उस रात से और भी जोरदार बारिश शुरू हो गई, रह रहकर बादल गरजते और बिजली चमकती। सुबह तक तो उनकी झोपड़ी में पूरी तरह पानी घुस गया था, और उस बारिश में जो सबसे बुरी चीज हुई वो ये थी कि उनके पास जो थोड़ा सा अनाज था वो पानी में पूरी तरह भीग गया था। किस्मत की मार इसे ही कहते हैं। कमला, हमने जो अनाज रखे थे कि इस बारिश में काम आएंगे, वो इस बारिश की भेंट चढ़ गए, अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे। बाहर बारिश इतनी हो रही है कि कहीं जा भी नहीं सकता। हौसला रखिए जी, बारिश चाहे कितनी भी हो रुकेगी तो जरूर। लेकिन 2 दिन तक बारिश लगातार होती रही। 2 दिन तक पानी में आधा डूबा रघुवर का परिवार भूखे प्यासे खाता रहा। उसकी छोटी सी मासूम बच्ची बेचारी भूख से रोकर सो जाती, लेकिन उनके पास कुछ था ही नहीं जो वो उसे देते। कितनी मजबूर माँ हूँ मैं, मेरी नन्ही सी बेटी रो रो कर सो जाती है, लेकिन मैं उसे दूध की 2 बूंदे तक नहीं दे सकती। सीता और गीता कुछ कहती नहीं, लेकिन उनके मुरझाए चेहरे सारी बातें बता देते हैं। जानती हो कमला, गरीब होना सबसे बड़ा श्राप है। गरीब के हिस्से में ही गर्मी की तपिश आती है, उसी के हिस्से में ठंड की ठिठुरक, और उसी के हिस्से में बारिश का प्रकोप, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। बारिश लगातार होती रही, आज 3 दिन से अधिक हो गए थे, लेकिन बारिश का कहना कुछ नहीं था। लेकिन अब बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे थे। सीता और गीता का भूख के कारण पेट दर्द होने लगा था। माँ भूख से पेट दर्द हो रहा है, कुछ ला दो ना। मजबूरी में वे लोग घर में जमा बारिश का पानी पीने लगे। उन्हें ऐसा करता देख कमला और रघुवर की आंखों में आंसू आ गए। कमला, मुझसे बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे कुछ करना ही होगा। भयानक बारिश के कारण आसपास के इलाके में पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस तरह के पानी के बीच
रघुवर अपने बच्चों के साथ बाहर निकल गया। कमला भी देख करके उसके पीछे आ गया। देखिए मुझे भी अपने साथ चलने दीजिए, दो लोग होंगे तो कुछ ज्यादा चीज हम बाहर से बच्चों के लिए ला पाएंगे। वो दोनों उस भयंकर बारिश में निकल गए। बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। वे दोनों उस बारिश में बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और उंगली करके एक जोरदार चीज उन दोनों के घर से निकल गई। आ दोनों की मौत हो गई। उधर काफी देर बाद जब वे दोनों नहीं लौटे तो बच्चों को भी उनकी चिंता होने लगी। छोटी सी बबीता को बड़ी बहन किसी तरह संभाले हुए थी। माँ बाबा तो कुछ खाना लाने गए थे, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। मुझे चिंता हो रही है, बाहर पानी बहुत पड़ रहा है। अरे चिंता मत कर, वो आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं आए। इस बीच बारिश के पानी ने भयंकर बाढ़ के हालात बना दिए। जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी उनके गले तक आ गया। पानी तो बढ़ते ही जा रहा है, अगर इसी तरह बढ़ा तो हम सब डूब जाएंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। अपनी छोटी बहन को उठाए हुए बच्चियाँ बाहर निकल गई। बाहर की तस्वीर बहुत भयावह थी। कई घर तो डूब गए थे, मरे हुए जानवर, मरे हुए लोग हर ओर दिखाई दे रहे थे। तभी उनकी नजर अपने माता पिता के मृत शरीर पर गई, जो बाढ़ के पानी के कारण पानी की तेज धार में बहे जा रहे थे। माँ बाबा, अरे मेरे माँ बाबा को क्या हो गया? वे उनके पीछे गए, लेकिन तेज धार में उनकी लाश बहती हुई दूर निकल गई। बहुत ही भयानक मंजर था। हर ओर लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, कुछ तो रो भी रहे थे। गीता और सीता भी रोए जा रहे थे। लगता है अभी इस बाढ़ में डूब कर मर जाएंगे। वे बाढ़ में बढ़े तो जा रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उन्होंने देखा कि राहत और बचाव दल वालों की नाव उनकी तरफ आ रही है। गीता वो देखो, वो नाव हमारी ओर आ रही है। बचाव दल की नाव उनके पास आई और उन्हें नाव पर चढ़ा लिया। भूख प्यास के कारण तीनों बहनें नाव पर चढ़ते ही बेहोश हो गई, और जब उन्हें होश आया तो वो एक राहत शिविर में थे। उन्हें दूध और बिस्किट दिया गया। उन दोनों बहनों ने पहले अपनी छोटी बहन बबीता को दूध पिलाया और फिर वो दोनों दूध बिस्किट खाने लगे। सब खत्म हो गया ना, माँ बाबा को छीन लिया इस बाढ़ ने हमसे। ये कहकर वो रोने लगी। रो मत गीता, रो मत, अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा, अपना और बबीता का ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे बारिश का कहर कम होने लगा, पानी कम होने लगा, लेकिन इस बाढ़ ने कईयों के जीवन में ना भरने वाला घाव दे दिया। बाढ़ खत्म होने के बाद लोगों को सरकार की ओर से मुआवजा भी मिला। उन बहनों को भी कुछ पैसे मिले, जिससे उन बहनों ने एक चाय की दुकान खोली। उनका गुजारा अब उसी दुकान से चलता है। वो अपने माँ बाबा को हर दिन याद करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।